सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुशील कुमार शर्मा आपके लिए नित नए वीडियो बनाता हूँ। इधर मैं काफी दिनों से लाइव नहीं आ रहा था, आज से लाइव शुरू किया है। अब आपको हमारे लाइव कार्यक्रम भी हमेशा नियत समय पर मिलेंगे और वीडियोज भी नियत समय पर मिलेंगे और वीडियोज भी हमारे लाइव आपको प्राप्त हुआ करेंगे। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो तुरंत आपको प्राप्त होगा और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। हम तो बात करते हैं कि आगे के लिए 16 और 17 जुलाई 2019 को हम अपने नगर में सुख समृद्धि विज्ञान का शिविर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बगलामुखी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, खोड़शी, भुवनेश्वरी, कमला इत्यादि 10 महाविद्याएं हैं, धुमावती, त्रिदेवों की साधनाएं जैसे भगवान शिव का महामृत्युंजय, भगवान शिव, भगवान गणेश और ब्रह्मदेव की साधना और भगवान विष्णु की साधना, भगवान श्री कृष्ण की साधना, भगवान राम की साधना, हनुमान जी की साधना, इसके अलावा योगिनियों की साधना, यक्षिणियों की साधना, कुमारी साधन, नायिका साधन, अप्सरा साधना इत्यादि के बारे में गोपनीय जानकारी और दीक्षा दी जाएगी इस शिविर में। इसलिए इस शिविर का पंजीकरण जो लोग करवा लेंगे, उन्हीं लोगों को शिविर में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि हमें सब पहले यंत्र मालाओं को प्राण प्रतिष्ठित करवाना होता है। आपके आने के पूर्व आपके रहने की और आपके सही ढंग से रहने की और भोजन सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए पंजीकरण आवश्यक है। बिना पंजीकरण के साधना शिविर में हिस्सा नहीं लिया जा सकता और इसके लिए अग्रिम पंजीकरण पहले से ही आवश्यक है और संभवतः बहुत जल्दी पंजीकरण बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए जितने भी ज्यादा जल्दी हो सके आप लोग पंजीकरण करवा लें। किसी शिविर में जो लोग मर्दाना कमजोरी, निपुंसकता इत्यादि के शिकार हैं या गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वो भी आ सकते हैं, वो भी पंजीकरण करा करके आ सकते हैं, उनको भी समय दिया जाएगा। अब आप लोगों से यह विनम्र निवेदन है कि पंजीकरण बंद होने के उपरांत एक भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा। आज बात करते हैं अप्सरा साधना की। अप्सरा साधना की बात करते हैं। अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी अप्सरा है। उर्वशी के बाद में रंभा है, तिलोत्तमा है, अनुलोचा है, स्वर्णदेह अप्सरा है, नाभिदर्शना है, ऐसे करके बहुत सारी अप्सराएं हैं। 108 अप्सराओं का वर्णन आता है। ये सभी दूसरे आयाम की स्त्रियां हैं और देवलोक से संबंधित। देवलोक दूसरा आयाम है जो कि हम लोगों को ऐसे बिना साधना के नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से जब साधना करते हैं तो उस लोक से यानी उस आयाम से कोई देवी या देवता या अप्सराएं या चिड़िया इत्यादि मनुष्य की कामना को पूर्ण करने के लिए धरती पर आती है और उनके साथ वह रहती भी है। अब देवताओं के शरीर स्थूल हैं
और वह स्वर्ग लोक की अप्सराएं, देवलोक की अप्सराएं उन लोगों के साथ रहते रहते उग जाती है और धरती के मनुष्य से ये चाहती हैं कि धरती का कोई व्यक्ति उनको सिद्ध करे, और सिद्ध करे तो वो लालायित रहती हैं, आतुर रहती हैं। परंतु मनुष्य के पास ऐसा कोई सेंसर नहीं है कि वो जान सके कि वो लालायित है कि नहीं है। इसके लिए अच्छा ये माध्यम होता है कि व्यक्ति साधना करे। जब वो साधना करेगा तो साधना करते समय अनुभूतियां होती हैं, और साधना के उपरांत यह अप्सराएं, यक्षिणियां इत्यादि सभी की सभी व्यक्ति के पास आती हैं और आकर के उनकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अब इनका जो ये अप्सराएं हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो जो अप्सराएं हैं, देवलोक की होने का कारण देवताओं जैसे गुण में होते हैं, पर ये चूंकि स्त्री वर्ग की हैं, इसलिए इनके अंदर प्रेम, करुणा, दूसरों का भला करने की अदम्य क्षमता और उनका मन ये होता है। अलग अलग अप्सराओं के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, पर कॉमन रूप से एक बात समय पाई जाती है कि नंबर एक, जब व्यक्ति इनकी साधना करता है तो लोगों के रोगों को दूर कर देती है, निर्मल काया हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी इच्छा है कि आपका रंग परिवर्तित हो जाए तो ये अप्सराएं दिव्य पदार्थों के द्वारा आपके रंग को भी परिवर्तित कर देती है। इसके अलावा ये दीर्घायुष्य प्रदान करती है, मृत्यु को तो नहीं टाल सकती पर ये लंबा जीवन कर देती हैं, दीर्घायुष्य प्रदान करती है। इसके अलावा यह अप्सराएं क्या करती हैं? व्यक्ति के जीवन में धन की कमी को पूर्ण करती है। ऐसे ऐसे रास्ते बताती हैं, ऐसे ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे कि आपके जीवन में धन की जो कमी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और एक आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इनको तीन रूपों में सिद्ध करते हैं, माँ के रूप में, दूसरा बहन के रूप में, तीसरा पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में, दोनों की बात है। इस प्रकार से इन साधनाओं को किया जाता है। सभी अप्सराओं की साधनाओं की विधियां अलग होती हैं, पर विधान में साम्यता पाई जाती है। अलग अलग साधनाओं में अलग अलग दीक्षाओं का महत्व है। हर अप्सरा की अलग दीक्षा होती है, हर अप्सरा अलग विधि उसका विधान होता है। और अप्सरा के साधना के इच्छुक लोगों को मांस मदिरा का तो बिल्कुल जीवन से त्याग कर देना चाहिए, नशे का त्याग कर देना चाहिए, और तभी वो सफल हो भी सकता है। अपेक्षाकृत बड़ी साधनाओं के ये अप्सरा साधना इत्यादि शीघ्रता से सफलता प्रदायक मानी जाती है और ये जल्दी ही सिद्ध होकर के व्यक्ति को अपनी कृपा का पात्र बना लेती है, यदि वो व्यक्ति उस लायक है तो। और जब ये माँ के रूप में आएगी तो ये माँ के रूप में आपको मातृत्व स्नेह प्रदान करेगी, जब बहन के रूप में आएगी तो बहन के रूप में आपको प्रेम करेगी, और जो जैसा बहन चाहती भाई का ये फायदा है, कैसे भाई उसका सुखी हो, कैसे उसका भाई संपन्न हो, तो भाई की तरह से आपको वो सुख प्रदान करने में सहायता करती है। और जब वो स्त्री के रूप में आती है तो सारी सुविधाएं तो देती ही देती है, स्वयं वो आपको अपने यवन का रस का पान करने देती है और स्त्री की भांति, पत्नी की भांति प्रेम करती है। प्राचीन काल में विश्वामित्र ने मेनका अप्सरा को सिद्ध किया था तो शकुंतला नाम की कन्या का जन्म हुआ था। ये लोग गलत कहते हैं कि अप्सरा संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। अब कलयुग का मनुष्य इस लायक नहीं रह गया है तो उसके लिए क्या किया? इसी प्रकार से
द्रोणाचार्य को भी अप्सरा से उत्पन्न माना गया है, अप्सरा के माध्यम से ही उनका जन्म हुआ था और एक अप्सरा के माध्यम से ही कृपाचार्य और कृपि का जन्म हुआ था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अप्सराओं के माध्यम से संतानोत्पत्ति भी संभव है। बात यह है कि सही विधि आपको मिले और सही तरीके से आप साधना कर सकें, तभी वह साधना आपकी सफल होगी। और प्रामाणिक विधि हो, गुरु का सान्निध्य हो, पवित्र विचारों के आप हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा संभव हो। तत्परता से साधना करने पर उसका परिणाम मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब हम श्रृंखला शुरू करेंगे अलग अलग अप्सराओं की, अलग अलग साधनाओं के बारे में उनकी विधियों का वर्णन भी हम करेंगे, क्रमशः होगा, और इनकी दीक्षाएं भी देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन